गॉड ऑफ फैक्ट्स लॉग इन गाइस, बहुत समय पहले जब हमें पहली बार इंसान बनाया गया था तो हमारे पूर्वज डेली अपनी लाइफ को प्रॉब्लम में डालते थे केवल जिंदा रहने के लिए। खाने के लिए डेली शिकार, अपने प्रतिद्वंदी लोगों से लड़ना और बड़े बड़े जानवरों से बचना। लेकिन जैसे जैसे मशीनरी बढ़ती गई, हमारा हार्डवर्क 0% पर आ गया है। रुकिए गाइस, इस वीडियो को देखने से पहले आप मुझे प्रॉमिस कीजिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप वीडियोस देखना बंद कर देंगे। आजकल हम अपने दिन को स्क्रीन पर बिताते हैं और हम बहुत थक चुके हैं उन चीज़ों को करने के लिए जो हम लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। बस अपना जीवन बर्बाद करते हुए दूसरों को इसे जीते हुए देखना और एक कोने में बैठकर दूसरों के लिए चीयर्स करना। गाइस, कभी खुद के लिए लाइफ को जीने का सोचा है? तो जानते हैं कैसे हम इतने कमजोर हो गए हैं। आलस ये एक ऐसा दुश्मन है जो अगर एक इंसान पर सवार हो गया तो ये मान लीजिए कि वह इस इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देगा। हमें किसी भी क्षेत्र में आलस के बारे में समझ सकते हैं। हम सुबह देखते हैं विद्यार्थी सुबह नहीं जाग पाते तो सिर्फ और सिर्फ इस आलस के कारण। सबको पता है सुबह जागने से अच्छी स्टडी होती है, लेकिन क्या कभी हम कर पाते हैं? एक आलसी स्टूडेंट अपनी क्लास में कभी टॉपर नहीं बन सकता। दोस्तों, हमने अपने उद्देश्य को खो दिया है। हम छोटे डोपामिन के तरीकों में पूरी तरह फंस चुके हैं। सोशल मीडिया, जंक फूड, वीडियो गेम हमें फंसाते चले जा रहे हैं। क्यों हम अपनी मुश्किलों में पड़े और अपनी लाइफ को बदलने की कोशिश करें जब हमारे पास वेब सीरीज और जंक फूड है? पूरे दिन अपने बिस्तर पर लेटना बेहतर लगता है, लेकिन समय के साथ आप बदतर महसूस करते जाएंगे और एक समय बाद आपके अंदर बड़ा करने की इच्छा बिल्कुल खत्म ही हो जाएगी। तो अगर आप यही चाहते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन एक ऐसा जीवन और भविष्य चाहते हैं जो प्रेरणादायक हो तो आपको इन सब की जरूरत होगी। ना केवल कुछ बड़ा करने की चाह होनी चाहिए बल्कि उस पर काम भी करना होगा। अपने वीडियो गेम और फोन से बचना होगा जो हमें झूठी पावर देते हैं। इसके विपरीत इस दुनिया में कुछ करना होगा गाइस। ऑल पावर्स विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, स्वामी विवेकानंद। गाइस, सारी पावर आपके हाथ में है, आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारा माइंड शॉर्टकट लेने में बिजी है। क्या ये सच नहीं है? जब भी हम अपने फ़ोन से थोड़े समय के लिए दूर होते हैं तब हमें हमारी रियलिटी के बारे में पता चलता है और हम और ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो गाइस, क्या आप अपने अंदर की उस पावर को अनलॉक करना चाहते हैं जो इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकती है? तो गाइस, ये इंटरनेट ही आपकी रियल पावर को अनलॉक कर सकता है यदि आप इसे बुद्धिमानी से यूज़ करें तो। इंटरनेट आपको अपना बिजनेस शुरू करने में, एक बेहतर बॉडी बनाने में या खेती करने की शिक्षा दे सकता है, और यही आपको सुबह सुबह सोशल मीडिया की झूठी खुशी दे सकता है जो आपका पूरा दिन बर्बाद कर देंगी। अब ये आप पर है कि आपको क्या करना है। खुद को बर्बाद किए बिना इसका यूज़ करने के लिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपका फ़ोन आपको यूज़ कर रहा है या आप अपने फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं? इसका जवाब देने से आपको पता चल जाएगा कि आप किस रास्ते पर हैं, छोटी और झूठी खुशी पर या एक ऐसा रास्ता जहाँ अपने इस जीवन का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। आप उस रास्ते पर चलने का पहला कदम है अपने उपकरणों का होशपूर्वक यूज़ करना। अगली बार जब आप अपने फ़ोन को अपनी पॉकेट से बाहर निकालें और एप्लीकेशन चेक करना शुरू करें तो खुद से पूछें, क्या आप अपने फ्यूचर की परवाह नहीं करते? क्या ये आदत सही है? अब इसे बंद करने के बाद अब अपने गोल पर फोकस करें जो आप पाना चाहते हैं। गाइस, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है और उनसे पूछा भी है आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, लेकिन ज़्यादातर लोग तो ऐसा बोलते हैं कि मैंने अभी तक कुछ सोचा ही नहीं है कि मुझे ज़िंदगी में क्या बनना है। दोस्तों सोचिए, अगर आप अपने घर से निकल जाते हो और किसी बस स्टैंड पर पहुंच जाते हो तो अगर वहां पर आपको पता ही नहीं कि आपको कहां जाना है तो आपको कोई मूर्ख ही समझेगा। अगर कोई बस वाला आपके पास में आकर बस रोके और आपसे कहे, भाई आपको कहाँ जाना है, और आप कहो मुझे पता ही नहीं मुझे कहाँ जाना है, तो क्या होगा? जाहिर है आपका घर से निकलना ही बेकार हो जाएगा। उसी तरह हमारे जीवन में कोई लक्ष्य ना हो तो हमारा जीवन कुछ खास काम नहीं आ पाएगा। तो गाइस, सबसे पहले अपना गोल डिसाइड कीजिए। अब सुबह उठते ही, इससे पहले कि आप सोशल मीडिया साइट पर टाइम बर्बाद करें, एक कॉपी पर लिखिए आज आप अपने गोल को पाने के लिए क्या करेंगे। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके पूरे दिन को एक सही दिशा में लेकर जाएंगी। गाइस, ऐसे दिन भर वीडियोस देखना निश्चित रूप से आपके लिए सही नहीं है।
तो अगर आप देख भी रहे हैं तो ये डिसाइड कीजिए कि आप क्या देखेंगे। जैसे आप सर्च कर रहे हैं बिजनेस कैसे शुरू करें, तो आप उसके साथ साथ पूरी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, आप कैसे करेंगे और इसे कब लॉन्च करेंगे, ये सब शेड्यूल करें। आप जो भी करना चाहते हैं उसकी समय सीमा होनी चाहिए, वरना आप कभी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे और पूरा दिन ज्ञान लेने में ही बिता देंगे। याद रखें, बिना काम के नॉलेज बेकार है। जीवन को बदलने के तरीके को जानना वास्तव में जीवन को बदलने के समान नहीं है। जब तक खुद गिरकर नहीं सीखेंगे तब तक कुछ हासिल नहीं होगा। कुछ करने वाला एटीट्यूड अपनाइए। तेजी से चलना धीमी गति से चलने से बहुत बेहतर है। गाइस, आप लाइफ में जो भी पाना चाहते हैं इसको आप अचीव कर पाएंगे, ये इस बात पर डिसाइड करता है कि आप कितना दर्द सहन करने के लिए तैयार हैं। अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड।